गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, शशांक त्रिवेदी इज हियर एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। राजस्थान के एक छोटे से विलेज में अभी सुबह के 9:30 हो चुके हैं, मॉर्निंग 9:30, सनराइज हो गया है, ठंड काफ़ी है और कोहरा भी है। तो इस वीडियो में मैं आपको लेके चलूंगा उस गांव की हर गलियों में, उसका ऑक्यूपेशंस, कल्चर, वहाँ के फार्म हाउस कैसे होते, लोग कैसे होते, खाना क्या खाते, घर कैसे होते, अबाउट एवरीथिंग। तो स्टे ट्यून, फटाफट फ्रेश हो जाता हूँ और फिर हम चलते हैं। तो अभी मैं आया हूँ गांव के बाहर एक हिल पर और यहाँ से कुछ इस तरह का व्यू देखने को मिलता है। और मेरे पीछे है एकलिंग जी का मंदिर, जहाँ पर यहाँ के लोग, कुछ लोग एकलिंगनाथ जी भी कहते हैं। तो जैसा अभी आपने ऊपर देखा था पत्थर तोड़ते हैं, तो यही नीचे का व्यू है। वाह। और अगर आपको जेसीबी की खुदाई देखनी है तो आप, मैं आपको जेसीबी की खुदाई भी दिखा सकता हूँ। तो अभी हम जिस लोकेशन पर थे वहां से और 5-10 मिनट का वॉक लेने के बाद और हम यहाँ पर आ गए हैं। काफी सुंदर, शांत और बड़ी लेक है। इवनिंग टाइम में आप यहाँ पर बर्ड्स स्पॉट कर सकते हो। As you spend your time in village, you will get to experience to the closeness to the nature, animals and birds. यहाँ पर आपको बहुत टाइप के birds देखने को मिल जाते हैं, parrot है, peacock है, animals में भी आपको बहुत टाइप के animals है, like tortoise हो गया, rabbit हो गया, camels, cow, monkeys, squirrels. यहाँ पर common है monkeys and squirrels, ये आपको easily देखने को मिल जाते हैं, peacock भी आपको easily देखने को मिल जाता है। मैं अभी जिस area में था वहाँ पर पिकॉक के जैसे पास में जाए तो वो उड़ जाते थे, तो मैं वो शूट कर नहीं पाया। विंटर सीजन था, उनके फेदर फॉल हो गए थे, लेकिन अगर आप समर या रेनी में आएंगे तो आपको उनका पिकॉक का डांस देखने को भी मिल सकता है। टेम्पल इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग वेन इट कम्स टू विलेजेस। यहाँ टेम्पल काफ़ी बड़े होते हैं एंड बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है विलेज का, एंड मॉर्निंग एंड इवनिंग आरतीज होती है और बहुत सारे फंक्शंस रखे जाते हैं टेम्पल्स में, जैसे कि भजन। विलेजेस में घर काफ़ी पास पास में होते हैं, जिससे ड्राइविंग विलेज में थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक होता है, अंदर वॉकिंग डिस्टेंस ही होता है सिर्फ। तो यहाँ ऐसे राजस्थान के गाँवों में ऐसे आपको पुराने घर देखने को मिल जाएंगे, जो कि 100 ईयर्स से भी ज़्यादा पुराने हैं। तो अभी आप देख रहे हो मेरे पीछे, ये है पूरा, यहाँ पर पहले अंग्रेज़ों के ज़माने की पुलिस स्टेशन, जेल वगैरह थी, लेकिन तो अभी लोगों ने तोड़ दिया है। जैसे आप देख रहे हो वो कांटों का, तो वहाँ पर भी एक पुलिस स्टेशन था, बट लोगों ने अभी कांटों की दीवार बना के उसको पूरा कवर कर लिया है। राजस्थान विलेज में घर साइज में काफ़ी ज़्यादा बड़े होते हैं। विलेज में अभी मॉडर्न इन्फ्लुएंस आ गया है, पर आपको काउडंग से बने हुए घर और कच्चे घर अभी भी देखने को मिल जाते हैं।
मोस्ट पॉपुलर ऑक्यूपेशन इन विलेज इज फार्मिंग। यहाँ के फार्म साइज में बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं। विलेज में आपको काफ़ी रिफ्रेशिंग फील होगा, यहाँ आप नेचर को उसकी रॉ फॉर्म में देख सकते हो, बिकॉज यहाँ विलेज में व्हीकल नॉइस बिल्कुल कम है एंड जीरो पोल्यूशन है। यहाँ आप डेली सनराइज सनसेट इंजॉय कर सकते हो। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं एक अमेजिंग सनसेट के साथ।